कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा फिर से मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। तो आज फिर से शुरू करते हैं ग्राइंडिंग लैंड्स में ग्राइंड। तो कल जैसे कि जिनोगर के बहुत सारे पार्ट्स मैंने कलेक्ट किए थे, याद ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंटेशन में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जैसा कि तुम देख सकते हो, अगर मेरे पास फाइनल लेवल का कोई वेपन होगा तो हाँ ठीक है, यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर हेल्थ रीजन में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ज डेथली शॉकर करके एक आता है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, जो एंड लेवल के वेपन्स होते हैं उसमें ये चीज़ चाहिए होती है लेवल अप होने के लिए। और बाकी और दो चीज़ें हैं, वो क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है क्योंकि जितना मैंने गेम मुझे लास्ट टाइम से जितना याद है, एंशिएंट फॉरेस्ट और कोरल हाईलैंड्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। तो उसको छोड़ते हैं और आज फिर से चल के देखेंगे कि क्या हाल चाल चल रहा है अपने ग्राइंडिंग लैंड्स में। और इनके पास देखते हैं, इनके पास कुछ नया इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, अगर कुछ बाउंटीज़ वगैरह होगा, लिमिटेड बाउंटी में कुछ ज़्यादा खास रिवॉर्ड्स तो नहीं है। मुझे चाहिए सेलेस्टियल वाइवेरियन प्रिंट, लेकिन वही मुझे मिल नहीं रहा। खैर कोई दिक्कत नहीं, गार्डिंग लैंड्स में जाऊंगा, ज्वाइन करूंगा किसी को तो भी, अगर कोई हो तो। कोई नहीं है तो फिर ऑनलाइन सेशंस में जा करके फिर से सर्च करूंगा मैं गार्डिंग लैंड एक्सपीडिशंस के लिए। एक ही बंदा है, चलो चल लेते हैं इसके पास। मास्टर रैंक 101 है वो, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे से काफ़ी ऊपर है। मोस्ट प्रोबेबली क्या, मेरे से काफ़ी ऊपर ही है, तो पता नहीं उसको ज्वाइन कर पाऊँगा कि नहीं। खैर देखते हैं। गेम का वॉल्यूम मैं फिर से बढ़ाना भूल गया। गार्डिंग लैंड्स ज्वाइन रिस्पॉन्ड, इसने भी गार्डिंग लैंड में कुछ डाल दिया। चलो डिपार्ट ही कर लेते हैं। लेगियाना है देख सकते हो यहाँ पे, तो लेगियाना को ट्रैप वगैरह करके गार्डिंग लैंड्स का लेवल मैं आराम से बढ़ा सकता हूँ, तो चलो वही करते हैं। तो अगर मैं गाइडिंग लैंड्स का लेवल बढ़ाता रहूँगा तो रिसोर्सेज भी उतने ही रेयर मिलते जाएंगे। और हाँ एक और चीज़ है, गाइडिंग लैंड जब भी फुल लेवल तक बढ़ जाता है तब मॉन्स्टर जो है वो टेम्पर्ड होने लग जाते हैं, मतलब उनमें पर्पल कलर का मार्क आ जाता है। और जब वो मार्क आता है तब मॉन्स्टर के ड्रॉप्स वगैरह जो है वो अलग होने लगते हैं। तो हर ड्रॉप्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, हर ड्रॉप्स के अलग अलग फ़ायदे हैं, तो देखते हैं इस बार क्या मिलता है। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है यार लोड होने में, खैर क्या ही कर सकते हैं। इतने में तो आधी जिंदगी निकल जाएगी। ओके लोड हो चुका है, नाइस। ओके ग्राइंडिंग लैंड्स में जाने से पहले मैं तो चेंज इक्विपमेंट करूँगा और ग्राइंडिंग लैंड्स का इक्विपमेंट लगा लूँगा। इक्विपमेंट ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पुराने वाले बिल्ड से, बस यही डिफरेंस है कि क्या कहते हैं, जो ज्वेल्स वगैरह मैंने लगाए हैं वो थोड़े से अलग है। ओके वेपन चेंज करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वेपन से मैंने कोई ज्वेल लगाया भी नहीं है तो ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। तो ये मिल चुका है, कीड़ा भी मेरे साथ है, तो चलो चल लेते हैं लेगियाना की बजाना तो नहीं है पहले, सबसे पहले उसको शॉक ट्रैप दे करके एक ही जगह पर बार बार शॉक करना है बस लेवल बढ़ाने के लिए। ये लो यार, कनेक्शन भी ख़त्म हो गया इंटरनेट से, बहुत सही। तो ये देख सकते हो अपना पैरट यहाँ पर खड़ा है, कितनी बार चिल्लाएगा। नीचे उतर, बहुत सही। Okay.
तो शॉक ट्रैप खत्म हो गया मेरे पास, तो समझ सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। फायर कास्टर लूँगा और यहाँ से निकल लूँगा। इसको एटलीस्ट दस बार तो ट्रैप कर ही लेना है मेरे को। अगर 10 बार ट्रैप करूँगा तो 250 पॉइंट्स मेरे को एक बार में मिल जाएंगे, और 250 पॉइंट्स मिल गए तो क्या ही कहने। अरे क्या हो रहा है ये। हाँ बड़े ही अजीब हिट बॉक्सेस है, बट खैर कोई दिक्कत नहीं। पास में ये देख सकते हो, भाग क्या बढ़िया। एक और बार बस अब निकल लूंगा बाहर। वो बेचारा ट्रैप पे ट्रैप हुए पड़ा है, कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन ज़्यादा देर तक उसका ये दर्द रहेगा नहीं, क्योंकि उस दर्द से भी मैं उसको मुक्ति देने ही वाला हूँ कुछ ही देर पे। तो 4 बार ट्रैप हो चुका है वो, 6 बार और करना है अभी। छः बार यानी कि 2 राउंड्स मेरे को और लगाने हैं, ये वाला और इसके बाद एक और, उसके बाद असली फाइट ले सकते हैं इससे। वो देखो वहाँ पर ही लगी आना, देखा नहीं है उसने अभी तक मुझे। अरे कहाँ भाई, खैर कहीं भी जा रहा हूँ मेरे को ज़्यादा परवाह नहीं है, कि पकड़ ही लूँगा मैं उसको और ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता। गाइडिंग लैंड से एक ही मैप है, देखो यहीं पर है वो फ़िलहाल। तो चुपके से जाके बहुत सही। बस ये लास्ट बार है, उसके बाद लेगियाना के साथ लड़ाई शुरू कर दूंगा मैं। सिंगर एमो ले लेता हूँ, क्योंकि इस बार के बाद तो क्या कहते हैं उसको, एक बॉल बैंक देना तो बनता ही है। एक बॉल बैंक क्या, वो तो रूल ही है गेम का। सही टाइम पे डॉज रोल था। बढ़िया, ये पढ़ चुका है उसको वॉल बैंक। बुरा हाल था वो मेरा। अभी तक उसको गुस्सा नहीं आया मुझे ऐसा लग रहा है। ब्लाइट रेजिस्टेंस है मेरे पास, बहुत सही चीज है। पहली सवारी नाइस। देख ही सकते हो मेरा जो कीड़ा है वो इधर उधर ब्लास्ट के
क्या कहते हैं, ब्लास्ट के छोटे छोटे बबल्स बना रहे हैं, तो उन बबल्स को अगर मैं हिट करूँ तो इसको ब्लास्ट लगेगा। ओहो, बिल्ली ने भी पैरालाइज कर दिया, नाइस। शॉट मिस, कोई दिक्कत नहीं। शार्पनेस कम है इस बार मेरे पास, तो थोड़ा सा पेशेंस रह करके खेलना पड़ेगा इसके साथ। बढ़िया, लगातार बार। अच्छा, मैं तो भूल ही गया कि मैं ब्लाइट से कुछ होने वाला नहीं है मुझे। हेवी ड्रैगन वेन पूल, चलो ये भी अच्छा है। ओहो, एक और सवारी, बहुत सही। देख ही सकते हो यार, शार्पनेस ग्रीन पे आ चुकी है, जो कि बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। कोशिश करूंगा जैसे ये नीचे गिरता है अपना शार्पनेस पहले बढ़ा लूं, बाकी का बाद में। नाइस, बढ़िया, मिड एयर डॉज था वो। कमजोर हो गया शायद वो, एक ना एक बार कहीं तो टेंडराइज कर ही दूंगा। पहला पंख टेंडराइज, नाइस। दूसरा पंख भी टेंडराइज, गलत जगह पे अटक गया मैं, हेड को भी कर दिया मैंने टेंडराइज। उसके सिर्फ उठने से ही मेरे को धक्का लगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। हैवी ड्रैगन वेन वोन, ओके, मुझे नहीं पता हैवी ड्रैगन वोन। अच्छा हाँ, एक चीज के लिए यूज हो सकता है, ऑगमेंटेशन वगैरह अनलॉक करने के लिए। एक शॉट, नहीं, बढ़िया। अरे यार, हट गया वो रास्ते से। नाइस, एक और सवारी, बहुत सही। डाउनवर्ड स्पिनिंग मूव जो होता है वो लगता है सबसे ज्यादा एयरबॉर्न डैमेज देता है, तो उसके साथ अगर मैं एयर का कुछ तो भी ज्वेल लेकर आऊँ जो एयरबॉर्न में 30% पावर बढ़ा देता है, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। देख सकते हो और दो ड्रॉप्स गिराए लेगियाना ने।
एक शॉट, बहुत सही। इससे पहले कि कुछ हो जाए मैं उसके शाइनीज वगैरह उठा लूंगा, क्योंकि उठाने तो यही आया हूं मैं गाइडिंग लैंड्स में, नहीं तो गाइडिंग लैंड्स में ग्राइंड करने का क्या फायदा। ओहो, बुरा शॉट था, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार, मुझे लगा था उसके पंखों पे मार सकता हूं मैं, खैर शार्प कर लेता हूं। तो यार अपने कीड़े ने ही उसका पार्ट ब्रेक दे दिया। पावर अप, बढ़िया, एक और पार्ट ब्रेक। कोई दिक्कत नहीं, कीड़ा चार्ज अप, थोड़ा इग्नोर करूंगा मैं लेके आना को। काफी सारे जियोलॉजिस्ट का यही फायदा है कि जितने भी शाइनीज है उसके डबल बार मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, तो जितनी भी चीजें नीचे गिरी हुई है लगता थक चुका है। चलो इसको एक बार, अरे यार मुड़ गया वो आखिरी टाइम पे, यार कोई दिक्कत नहीं, मुड़ भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है मेरे को। एक और ओवर बस, और ये स्लिंग शॉट, नाइस, बढ़िया शॉट था वो। चलो गुस्सा दिला दिया मैंने इसको, लगता है कहीं भागने वाला है ये तो भी, लेकिन कितना ही दूर जाएगा, सामने ही है वो। ये एक और सही चीज़ लगती है मुझे गाइडिंग लैंड्स की, मैप बड़ा है तो ढूंढने में ज़्यादा दूर नहीं लगता। मैप कहने के लिए सिर्फ बड़ा है, और बड़े से मेरा मतलब है यहाँ पर रीजन्स वगैरह जो है वो सब कुछ एक ही जगह पर दिए गए हैं। बढ़िया शॉट, पंख को पकड़ना है मेरे को, पकड़ ले, नहीं पकड़ पा रहा हूं। बहुत सही टाइम पे लगी आने मारा, नाइस। बुरा शॉट था मेरी तरफ से, बहुत जल्दी जल्दी डॉज कर रहा है ये। एक और बार, बहुत सही, बढ़िया, इसी की जरूरत थी। शॉट्स
शार्पनेस ख़त्म हो चुकी है मेरी, तो जो फाइनल हिट है उसमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। बहुत ही कम डैमेज गया, चलो कोई नहीं, टाइम रहती शार्पन कर लेता हूँ। अगर नॉर्मल मास्टर रैंक ले गया ना होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन ये मास्टर रैंक भी है और गाइडिंग लैंड्स में है, तो इसके मरने का टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये कैसा लगा यार? ओहो नाइस बिल्ले, हेडशॉट। एक और बार कोशिश, नहीं लगेगी नहीं। चलो विंग शॉट लगा एटलीस्ट। और ले गया ना हो चुका है कमजोर, तो समझ ही सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। जल्दी से अपने कैंप में जाऊंगा और आइटम रिस्टॉक कर लूंगा, फिर चल दूंगा इसको कैप्चर करने। नाइस। और जितना मुझे देखकर लगता है उसका रेस्टिंग प्लेस उसी गुफे में होगा जिस टाइम पे सबसे पहले था, ऊपर की तरफ वहां पे, तो चलो उसी और चल लेते हैं। चलते चलते थोड़ा ये भी कलेक्ट कर लूंगा मैं। ओके, ट्रैंक बॉम्ब रेडी है, ट्रैप्स भी रेडी है। और ले गया ना कैप्चर्ड, नाइस। ठीक है, ओहो एक बाउंटी भी कंप्लीट हो चुकी है, साइड में UI देख सकते हो। तो अभी टाइम रहते मैं क्या करूँगा, थोड़े बहुत बोन्स वगैरह कलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ताकि गाइडिंग लैंड्स का जो लेवल है वो और थोड़ा बढ़ जाए। यहाँ पर कुछ है? नहीं। यूजुअली गाइडिंग लैंड्स में लास्ट टाइम मेरे को कुछ तो भी एक लूट मिली थी जिसका नाम था गाइडिंग रीफ ड्रैगन बोन, कुछ तो भी ऐसा करके था, तो उसको लेने जाना है। और हाँ एक और चीज़, अगर तुम्हें याद होगा वो रेड वाला जो ड्रैगन था उसके बारे में तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, उसका एक रिकॉन मिशन था जो मुझे करने जाना था। तो एक बार कुछ और बोन पाइल्स वगैरह मैं कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद उस रिकॉन मिशन को करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर मैंने उसको नहीं करा तो पहली बात तो ये, उसको करने पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे मास्टर रैंक इंक्रीज होएगा, और उसको नहीं किया तो स्टोरी में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलो यार ये हो चुका है, ठीक है तो चलते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या रीजन्स बचे हैं। देख सकते हो यहाँ पर एंशिएंट फॉरेस्ट लेवल 2 पर है, कोरल हाइलैंड्स लेवल 3 पर है, राइट। तो अभी मैं चलना चाहूँगा वापस सेलियाना पे, और सेलियाना के गैदरिंग हब में जाऊँगा मैं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला है मेरे को। फेस स्टोन, विविड क्रिम्सन बोन, ठीक है, ज्वेल्स भी इतने खास नहीं है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा टंड्रा रीजन का लेवल अप क्यों हुआ, लेगियाना तो कोरल हाइलैंड्स में रहता है, बट क्या ही करूँ, अभी थोड़ा अजीब लेवल अप सिस्टम है।
मे भी इसलिए हुआ क्योंकि लेगियाना जो है बर्फ वाला प्राणी है। ओ एक सेकेंड, उसका एक्चुअल हैबिटेट बर्फ में रहता है, वो बस कोरल हाइलैंड माइग्रेशन के लिए आते हैं। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था यार ये बात तो, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चेंज इक्विपमेंट, टेस्टिंग सेट लूँगा मैं राइट, और यहाँ पर जाऊँगा इसके पास। क्वेश्चन मार्क रिकॉन, क्वेश्चन मार्क यानी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वही रेड ड्रैगन है पक्के से पता है मेरे को। तो यहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ, लगता है यहाँ के खाने का एनिमेशन मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो चलो आज प्ले होने देता हूँ मैं। तो खाना यहाँ पर बना बनाया आता है, और बिल्ली यहाँ पर एक खाना लेकर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो यार, बिल्ली का हेयर स्टाइल असली इंसानों के हेयर स्टाइल से ज़्यादा मज़ेदार बनाया है डेवलपर्स ने। तो गैदरिंग हब में यूजुअली बिल्लियाँ रहती है और बाहर यूजुअली बिल्ले रहते हैं, सही है। चेंज इक्विपमेंट, शेवर चाम है मेरे पास, तो चलो चल लेते रिकॉन के लिए। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा देखने के लिए क्या है क्या नहीं। ऑफ कोर्स मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे। ओह ओके, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने टेंट लगा रखा है, तो फील्ड टीम लीडर भी यहाँ पर मौजूद है और मेरी हैंडलर भी यहाँ पर है। प्रिपरेशन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि रिकॉन मिशन का मतलब यूजुअली ये होता है कि बस थोड़ा जांच पड़ताल करके आना है, स्ले नहीं करना है उसको, तो उसका भी एक पॉइंट रहता है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी सिर्फ 3 ही मेरे को चांसेस मिलेंगे यहाँ पे, भी 3 ही गेम ओवर्स मिलेंगे, तो चलो चल लेते हैं। यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है ये? यार इसका एक ही हाथ पूरे एक ड्रैगन जितना बड़ा है। फोर साइड भाई, तो ये है ग्रोन अप ज़ेनोजीवा। मैं क्या कर रहा था मुझे समझ नहीं आया, कुछ ज्यादा ही नर्व। यार अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तो एक ही बार, भाई कितना स्पैम करेगा, हो गया नाइस। तो ओहो फ्लिंच कर दिया मैंने इसे, नाइस। हेड को मैंने कर दिया टेंडराइज, फोर साइड लगानी नहीं। ओ भाई साहब, बहुत सही। नहीं, इसके एरिया अटैक्स है, तो एरिया अटैक से बचना बहुत मुश्किल है। कितनी खतरनाक खाल है यार इसकी। फोर साइड, एक बार लग जाए, नाइस।
ओ यार, थोड़ा टेढ़ा मुड़ना चाहिए था मेरे को। नहीं नहीं नहीं, जब मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं चिपक रहा हूँ वो बहुत ही जल्दी से, ओ नाइस वन बिल्ले, थोड़ा टाइम तक लटका रहे ऐसे ही, बहुत सही। हाथ में ही मारूंगा कि मुंह तक जाने का टाइम नहीं था। एक और फ्लिंग शॉट, नाइस। लग जा, नहीं लगेगा। बहुत सही, लगता है यही करना होता है जब भी वो नीचे की तरफ हमला करे। वो कह रहा है सही टाइमिंग। उसका एक हाथ जो है फिर से बढ़िया, इस बार उसने वो वाला मूव नहीं किया, नॉक डाउन दोस बोल्डर। अच्छा यहाँ पे गिरेगा इसके ऊपर, मुझे नहीं लगता गिरेगा, नहीं गिरा, खैर कोई दिक्कत नहीं। और ट्रैप्स है जहाँ पर शायद है, गिरा सकता हूँ कुछ, नहीं गिरा सकता। इस तरफ एक है, उसको भी गिरा सकता हूँ मैं। भाई क्या म्यूजिक है इसका, गया मैं, गया मैं, गया मैं। बढ़िया, ये खुद को हील कर सकता है यार, ये तो गलत है। आई मीन मैं भी खुद को हील कर सकता हूँ लेकिन मैं छोटा हूँ, तो जब भी इसकी, अरे यार नहीं 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 नहीं, अरे नाइस। यार नहीं यार, डॉज रोल की टाइमिंग गलत थी मेरी, या फिर मैं बेवकूफ था जो अंदर डॉज रोल किया, या फिर दोनों। बहुत सही, एनिमेशन में अटक गया था मैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। शार्पिन, थैंक्स बिल्ले। ओहो सर पे हमला करने का सही टाइमिंग है यार, इतने कम डैमेज नंबर्स, 60, 40, 50। लगता है इसके हिट जोन वैल्यूज जो है वो हैंड्स में ही सबसे ज्यादा है। सेकेंडराइज कर दूंगा, रिकॉन खत्म। अच्छा ओके ओके ओके, तो उसके भी स्टेजेस है, जैसे जैसे मैं उसकी हेल्थ खत्म करता रहूंगा। सर्च ऑफ मोर एनर्जी, राइट, तो जैसे जैसे मैं उसकी हेल्थ कम करता जाऐंगा वो नीचे नीचे जाएगा और एनर्जी ऐसे अब्सॉर्ब करने के लिए। इसका मतलब हर स्टेज में उसकी लाइफ थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, ये तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। वो हर बार नीचे जाएगा अपनी कुछ परसेंट एनर्जी या फिर अपना कुछ परसेंट हेल्थ कह सकते हैं वो वापस ले लेगा।
तो इसका ये जो फाइट है, ओहो नाइस, वो बहुत बड़ा मैराथन है, उसको अगर मैं चाहूँ भी तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता। ये अरे भाई, म्यूजिक कितनी कैसे बदल गई। अरे रुक जा भाई, नाइस नाइस, म्यूजिक से हार्ट बीट बढ़ रही है मेरी यहाँ पे। और बेस्ट बात तो ये है कि मैंने म्यूजिक का वॉल्यूम पूरा लगाया भी नहीं है। गया मैं, गया मैं, गया मैं, भाग भाग मिली, भाग, नाइस। बहुत सही, बहुत सही। नाइस फोर साइड कंप्लीट। नोटिस किया होगा तुमने, एकदम मैं वेट करके उसको फोर साइड लिया। टेंडराइज, नाइस। हाँ बच गया। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसका ग्रैब करने वाला मुझे गया मैं। यार ये कैसा अटैक है, बीनीथ हैज द मॉन्स्टर सस्पेंशन। ओके क्रैक स्पोकिंग आउट, ठीक है, कुछ तो नहीं हो रहा। मैं सही बता रहा यार, ये जापानीज लोग हिरोशिमा नागासाकी का PTSD भूले नहीं, अब तक अपने हर गेम में डाल रहे। लिटरली एटॉमिक ब्रेथ था वो, एटॉम बॉम्ब था वो। कुछ ज्यादा ही बुरा था यार वो। मजेदार मॉन्स्टर था यार, कुछ भी बोलो, मजेदार मॉन्स्टर था वो। रिकॉन में ही मजा आ गया, तो सोचो हंट में कितना मजा आएगा। और जितना मुझे याद है इसका जो हंट है, शायद क्या बोलूँ उसको, अडल्ट ज़ेनोजीवा जो भी है, अडल्ट ज़ेनोजीवा का जो हंट है, जितना मुझे याद है लास्ट टाइम से, वो क्या कहते हैं, वो यूजुअली टीम के साथ करना पड़ता है, क्योंकि इसका हेल्थ जो है रीजेनरेट होता है। सीकर के पास कुछ कहने के लिए है, चलो सुन लेते हैं। Glad to see you're safe, Hunter. Splendid job with the recon assignment. It's time for council. Let us go. It absorbed energy from its surroundings? That's correct. By doing so, it managed to naturally heal all of its wounds. मतलब उसकी हेल्थ रीजन होती है 100%। Once it consumes a certain amount of energy, it heads for an even deeper location. We weren't able to verify it, but we believe it exhausts each area of energy before moving on. That's the theory coming from analytics. During the recon, I did my best to observe the area and surrounding ecology. अगर हैंडलर का कहना है कि एनर्जी एग्जॉस्ट वो कर देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, एक टाइम पे जब सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो खुद को हील नहीं कर पाएगा, तभी ही उसको मारा जा सकता है। ओके व्हाट आई डिस्कवर्ड वाज एन ऑलमोस्ट अनफैथमेबल डिफरेंस इवन बिटवीन नेबरिंग रीजंस। यू से दैट क्रीचर वाज अब्सॉर्बिंग एनर्जी, करेक्ट? दिस मे बी एन अब्सर्ड हाइपोथेसिस, बट perhaps that creature can control the energy it absorbs. It may be reshaping
the very nature of these ecologies to meet its own needs. How is it possible that something like that could even exist? There's only one monster that I can think of that absorbs the energy of other creatures to speed its own growth. Xenojiva. Your initial assumption was correct. It must be an adult version of Xenojiva. Wahi ho sakta hai, sabse pehle usi ki skin dekhi thi. It may be doing this for its own preservation and propagation. That thing doesn't play well with others. There's no way these areas it's reshaping are for anything but itself. If a monster like that is allowed to multiply, this entire world's doomed. It may have disappeared this time, but I have no doubt it'll return to the same location soon. क्या मतलब disappeared यार, इतना बड़ा monster है, लेकिन हाँ ये भी है, उसके पीछे नहीं जा सकते. And we'll be waiting for it. Until then, we need to prepare. All right, everyone, you know what to do. Dismissed. चलो यार, dismissed. Okay, you can now take limited time siege to investigate the adult form of Xenojiva. When the siege is available, the commander will appear in Saliana with a purple mark over the head. Speak to him to join the siege. The siege of Xenojiva mature form is only available for a limited time. तो बेसिकली यार कहने का मतलब है कि एक सीज क्वेस्ट है. तो अगर यार तुम थोड़े से ओल्ड स्कूल के गेमर हो तो सीज का मतलब तुम्हें पता ही होगा. अगर तुमने वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट वगैरह या फिर फेसबुक में जो गेम वगैरह चलते थे 2.5D में, वो सब खेले होंगे उस टाइम की बात. तो अगर तुम्हें याद होगा, सीज के मिशंस यूजुअली ऐसे होते हैं कि एक मॉन्स्टर होता है, पूरी लॉबी उस मॉन्स्टर से फाइट करती है और रिवॉर्ड सबको मिलता है. राइट, ऑफ कोर्स रिवॉर्ड्स उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने फाइट करी होगी, फाइट में पार्टिसिपेशन लिया होगा. तो सीज क्वेस्ट, ओके, इट कैन नॉट बी अंडरटेकन आउटसाइड ऑफ द अवेलेबल टाइम. तो लिमिटेड टाइम का ऑफर रहता है बेसिकली, कि कभी कभी सीज एनेबल रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, इवन इफ द कमांडर इज प्रेजेंट. तो बेसिकली कमांडर के ऊपर जब भी पर्पल बत्ती जलती है, तभी सीज किया जा सकता है. ठीक है, रिजिड ड्रैकोलाइट. तो ड्रैकोलाइट जो है वो उसका मटेरियल है. ठीक है, स्ट्रीजियन जिनोगर विल नाउ अपीयर इन द गाइडिंग लैंड्स. बहुत सही, सीज अवेलेबल है, सीज अवेलेबल है, बहुत सही. सबसे पहले तो मैं इसके बाद जाऊंगा, बात करके देखूंगा. As we had predicted that Xenogre subspecies were not originally from the tundra region of the Guiding Lands. It appears to have come from a completely different location. Now, this may be mere theory, but I believe that red monster you and your handler reported may have lured that subspecies here. There are certainly some creatures that don't notice the changes to their habitat until it's too late. With that in mind, even if the results are not favorable for us, we must press forward. That is the only way to the truth. But never forget, no matter how much we fight for survival, we are nothing but a mere part of this whole ecosystem. My outside are freezing, but the fire inside me never burnt hotter. Okay, Stygian Xenogre भी उसी की करतूत थी, मतलब ठीक है. अगर सीज तैयार है तो आज सीज करेंगे यार. Good to see you. Good to see you. I have arrived myself. I sent word to the guild about the appearance of the Stygian Xenogre you located in the tundra region of the Guiding Lands. As well as the result of your recon assignment of the gigantic red monster. We got a response back from them shortly afterwards. The guild has formally recognized the red monster as a mature form of Xenojiva. So yaar wahi tha, adult form hai Xenojiva ka. And it has given it the name of Safi Jiva. Okay. Xenojiva जो immature form होता है, साफी जीवा जो है वो adult form होता है. बहुत ही खतरनाक नाम है यहाँ पे. खैर, on top of that, our scouts have sent word that the monster has returned to where we last spotted it.
We must share this information with everyone and set up a special assignment. Council must be held immediately. Over here. Let's go. You're coming with me. So, siege aega? Urgent notice from our scouts. It appears the beast has returned. We know now we are dealing with an adult form of Xenojiva, and thus we are calling this creature Safijiva. We need to commence an investigation immediately. Every available hunter must head out at once. We'll use the gathering hub to gather all available hunters for this special assignment. Fifth, use it as your base of operations. If the reports are true, Safijiva absorbs all energy from an area before moving to another location. We'll need our most tenacious hunters out there to force it to go where we want it to go. Yes, sir. So what are we doing with this monster, boss man? Slaying it? Yes. The ultimate objective is to slay the monster. We can't let Safijiva escape to the outside world. Roger that. All right. Convene at the gathering hub. The Safijiva is a special quest where you team up with all hunters in your gathering hub to slay Safijiva. वही कहा था मैंने कि basically एक siege type का quest है. Check Safijiva info to see investigation progress. Okay, level of energy, reward level, higher the reward level, the better the rewards. Okay. The siege is completed once someone in your gathering hub has successfully slayed Safijiva. ठीक है. जैसे मैंने कहा था यार कि siege है basically. राइट और गैदरिंग हब में मुझे नहीं लगता अभी कोई है तो एक काम करते हैं गैदरिंग हब ही चेंज करते हैं तो चेंज करने का बेस्ट तरीका है ऑनलाइन सेशंस में जाऊंगा मैं सर्च करूंगा फिल्टर में जाऊंगा गाइडिंग लैंड्स की जगह Safijiva बहुत सही और कर दूंगा कंफर्म तो देख सकते हो यार यहाँ पर लोग है 13 है यहाँ पर 14 है रोजेस आर रेड पापी चूलो 14 है यहाँ पर चलो 15 हो जाएंगे तो एटलीस्ट तीन 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 करके भी जा सकते हैं और अगर चार भी गए तो लास्ट वाले में तीन बचेंगे खैर इसका ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लेता हूँ 306 लेवल का बंदा है वो और मैं वहाँ पर जाऊँगा तो बेवकूफ़ी रहेगी तो यार ये देखो यहाँ पर है कितने सारे लोग हैं यहाँ पर और ये एक्चुअल प्लेयर्स है यहाँ पर राइट तो देख ही सकते हो यहाँ पर Safijiva का सीज कहीं ना कहीं तो होगा ही Safijiva siege. Okay, it will seek out more energy. Environmental attacks. Safijiva movement. Drawing Safijiva attack. Okay, ये मेरे को हुआ था. ये क्या होता है? Continuously attacking it. If the hunter fails at keeping aggressive state, hunters were not being focused on can perform flinch shot on its head. ठीक है. Focus लाने के लिए flinch shot मारना है. Ultimate avoid करने के लिए obstacles. जो क्या कहते हैं? वो पत्थरों के पीछे जो मैं छुपाता वो उसका अल्टीमेट अटैक है बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको अवॉइड करना है ठीक है बिगिन द सीज नहीं मैं तो ज्वाइन करूँगा यार तो कम ही लोग हैं ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बिगिन द सीज करता हूँ देखता हूँ कोई मेरे को ज्वाइन करता है कि नहीं ये क्या ये चिंकी लोग मेरे को ज्वाइन करना चाहेंगे दोनों चिंकियों के पास सेम ही बिल्ले हैं खैर एक चिंकी तो एक चिंकी ऑफलाइन है और हाँ Safijiva का अगर है तो एक चीज मैं करना चाहूंगा डिस्ट्रॉय शीत सैटिएटेड की जगह मैं फ्रेंडशिप इवेजन ज्वेल उठा लूंगा अगर मैं स्किल में जाऊंगा कहाँ पर है ईवेड एक्सटेंडर नहीं सॉरी ईवेड विंडो में जाऊंगा तो फ्रेंडशिप इवेजन ज्वेल अगर मैं उठाता हूँ तो इसका मतलब ये है मैं अगर कोई भी हीलिंग वगैरह उठाऊंगा तो वो दूसरों को भी मिलेगा ठीक है कोई आ नहीं रहा है तो अकेले ही निकल लेते हैं भले ही जितना पिटना हो यहाँ पे
मॉन्स्टर का डिजाइन देखो यार, डिटेल्स देखो मॉन्स्टर के। बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। अपने कैंप को ही देखकर चिल्ला रहा है वो। आइटम बॉक्स में जाऊंगा, मैनेज आइटम्स, सब कुछ रीस्टॉक करूंगा मैं। खाना भी नहीं खाया मैंने, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, तो एक मील कर लूँगा यहाँ पर। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे जितना लगता है मैं मरने ही वाला हूँ इस क्वेस्ट में, तो खैर पत्थर उठा लूँगा। देखता हूँ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आइटम है कि नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, मेरा इन्वेंटरी फुल है। When that thing's exhausted, it'll start absorbing energy. When the energy pool is dried up, it'll retreat to a lower level. Use that chance to follow it down. Chip away at it to break off parts or use your surroundings to damage it. अरे यार गलत टाइम पे डॉज रोल, खैर कोई दिक्कत नहीं। बस खड़े मत हो जाना अभी। बढ़िया, अरे यार डैमेज टेकन वॉज रिड्यूस, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया फोरसाइट। अरे भाई पड़ जाता है इसके रास्ते से। फोरसाइट कर लेना चाहिए था मेरे को, किसी के डर से नहीं किया था। गया मैं, बहुत सही। मॉन्स्टर का एआई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हल्का सा मैं मूव गलत करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आह कदम पीछे ले लिया उसने। लेकिन अभी रेडी हूँ। इतनी जल्दी, सीरियसली पिछली बार से कुछ ज्यादा ही जल्दी मैंने एनर्जी लेवल स्लो कर दिए। Alright, solid work. Keep it up, everyone. अरे यार अगर तुम मेरे हेल्थ बार के ऊपर एक छोटी सी घड़ी देख सकते हो तो इसको मारने के लिए टाइम भी कम है। बहुत सही, अनदर ग्रुप मेट दी मेट एन ऑब्जेक्टिव सेकेंड लेवल एनर्जी अब्जॉर्ब। तो देख ही सकते हो यार यूआई में लिखा है कि अलग अलग ग्रुप से भी एनर्जी अब्जॉर्ब किया जा सकता है। मतलब वो इतनी जल्दी मेरे मारने से नहीं गिरा, किसी और हंटिंग ग्रुप ने उसकी हेल्थ और कम कर दी होगी। बहुत सही, अटैक्स कमिट भी नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। फोरसाइट किया था मैंने लेकिन फिर भी रोड से नहीं बच पाया। अरे यार ये क्या था, ओ
फोरसाइट था वो, क्या फोरसाइट था वो। एक बंदा ज्वाइन किया, अच्छा है, नाइस। लग जा, बहुत सही। नहीं यार, नहीं यार, नहीं। उस टाइम पे मैंने क्या कहते हैं, फोरसाइट तो कर लिया, लेकिन उसका फॉलो अप अटैक रुका नहीं मेरे से। उसको भी कर लिया मैंने, टेंडराइज। यार नहीं, एरिया डैमेज है इसके, सारे के सारे एरिया डैमेज है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये कोई मूव टेलीग्राफ भी नहीं कर रहा है, क्या है यार ये, ज्यादा ही खतरनाक डैमेज था वो। पिन डाउन, क्या मतलब पिन डाउन। अरे बहुत सही, किसी की कमी थी मेरे को। थैंक्स बिल्ले, थैंक्स बिल्ले। यार मैं सही बता रहा हूँ, अगर बिल्ला नहीं होता ना मैं खत्म था। No, I disagree. लगता है कुछ गलत, क्या है यार ये। बस अब लगता है पीछे जाना है, पीछे जाना है। ठीक है, बंदे के पास अच्छा धनुष लग रहा है। एक फोरसाइट, फोरसाइट नहीं, एक हेल्म ब्रेकर प्लीज। थैंक्स धनुष। नहीं, बढ़िया, धनुधर ने बचा लिया। मैं सही बता रहा यार, इसके लिए डुअल ब्लेड जो है वो बहुत सही रहेंगे। अच्छा अजीब है यार ये, इसके अटैक्स भी मेरा पीछा कर रहे हैं। बड़ा रहता हूँ नहीं तो मारा जाऊंगा। नाइस, बहुत सही बिल्ले, चार शॉट नहीं पड़ा। नहीं 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 यार, बहुत सही मौका था उसको डैमेज देने का, कर नहीं पाया मैं कुछ। लग जा, नहीं लगा। चलो अच्छा है, आशा बांकड़ बिल्ले धन्यवाद। लग जा, नाइस, बहुत सही, बहुत सही यार। एटलीस्ट हल्का सा तो टेलीग्राफ करके अटैक आना चाहिए, अचानक से आ जाता है।
वो भी इतने बड़े मॉन्स्टर के लिए। नहीं नहीं फिर से नहीं। सारे पोशंस मेरे खत्म हो चुके हैं, क्या ही करो यार। 10 मिनट लेफ्ट सीरियसली। एक शॉट बस, हेल्म ब्रेकर की पावर ही खत्म हो गई जब तक शॉट आने लगा। नहीं यार नहीं यार, बहुत सही फोरसाइट, खूबसूरत फोरसाइट, बढ़िया। नहीं सहा जाता यार, और नहीं सहा जाता और। कितना ज्यादा हेल्थ खा रहा है ये सिर्फ अपनी एक ही स्वाइप से। लगी नहीं, फिर से वो अपना वही अटैक मारने वाला है। कुछ ज़्यादा ही पास छुपा हुआ हूँ मैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हवा में मार सकते क्या? ओहो डैमेज बहुत सही। जापानीज लोग जब भी कुक करते हैं ना, तो बस बोल दो लेट देम कुक। बहुत सही। हाथ टेंडराइज है तो मैं हाथ से ही कवर करूंगा। बहुत सही बिल्ले, बहुत सही। एक और बार शार्पनेस खत्म है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कर लेता हूँ खुद को शार्पन। लोएस्ट रीचेस, ओके बहुत सही। तो यार एक बढ़िया प्लेयर आया हुआ है मेरे साथ, तो होपफुली इसके साथ मिल करके साफी जीवा को ख़त्म कर सकूं। लेकिन टाइम देख सकते हो बहुत कम है, कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार फाइट है यार ये। और ये भी है कि इस मॉन्स्टर के कुछ उल्टे सीधे अटैक्स नहीं है जैसे ब्रैकिडियोज के थे। इसके अटैक्स टेलीग्राफ नहीं है बस, लेकिन इसके बहुत ही सिंपल सीधे अटैक है। पैटर्न है इसके अटैक में जो समझा जा सकता है। नहीं 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 उधर मत जा, लग गया। ओके अभी वो दूसरे बंदे के पीछे है। जैसे ही उसने हाथ नीचे डाला उसका हाथ हील हो गया, इसलिए मैं उसको फिर से टेंडराइज कर दूंगा और करूंगा हेल देकर। अरे भाई ये क्या है,
ओहो डैमेज ज़्यादा जाने लगा है, इसका मतलब इस स्टेट में वो डैमेज देगा ज़्यादा और डैमेज लेगा भी ज़्यादा। भाई क्या म्यूजिक है ये, क्या म्यूजिक है ये, योकोशी मामूरा के लेवल का म्यूजिक है। मैं जानता हूँ मैं कैपकॉम के मॉन्स्टर हंटर के कंपोजर को डिसरिस्पेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ योकोशी मामूरा का नाम लेके, लेकिन मैं सही बता रहा, बहुत ही खतरनाक म्यूजिक है। चलो भाई बार बार बचा, मैं ग्राउंड ट्रेमर्स लगे। ओके कहाँ चुपना है, रैंडम जल्दी बता यहाँ पर। लास्ट स्टेज में पत्थर टूटने लगते हैं। कौन सा गैस, काहे का गैस, अच्छा ये गैस, ओके इस पर अटका रहूंगा। जैसे ही वो हील होता है उसके सारे टेंडराइज खत्म हो जाते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, पत्थर गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, सही चीज़ नहीं गई है। यहाँ पर आया है वो, उसको एक्सप्लोजन का डैमेज नहीं लगा, लगता है उसको थोड़ा और पास आना पड़ेगा। कर दिया मैंने टेंडराइज, ओके फिर से वो अपने उसी स्टेट पे आ चुका है, तो अभी वो ज्यादा डैमेज लेगा। बहुत सही, फोकस उस पर था लेकिन वो मेरे को भी देख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ जा साथी, अरे लग जा, बहुत सही, कॉम्बो कंप्लीट। लग जा, बहुत सही शॉट था यार, फ्लिंच कर दिया मैंने उसको। मेरे ऊपर है अभी फिर से, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बस खटे ना, नहीं पता। तो यार डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पत्थर के पीछे रहने से चलेगा, एरिया डैमेज इसमें है नहीं। ये सही रूल लगा मेरे को भाई, बहुत बुरा था वो। कर लेता हूँ हील, गया मैं फिर से, गया नहीं यार, क्यों क्यों क्यों, क्या स्पैमिंग है ये। अभी मत करना यार, अभी मैं ऊपर था भी नहीं, कैसा हिटबॉक्स है वो। बहुत सही, उसके पीछे वाले पैरों पे हमला करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, गलत टाइम पे सोच सकते। ओहो नाइस टेक, बढ़िया फोरसाइट। एक और बार प्लीज प्लीज प्लीज, हेल्म ब्रेकर, नहीं नहीं यार, मैं बेवकूफ हूं, मैं सही में, अरे काइकू नहीं, बहुत सही।
इधर रैंडम दूसरी तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दो पत्थर एक साथ खत्म होंगे। तो ये भी है यार कि यहाँ पर पत्थर वगैरह भी थोड़े संभाल के देखने पड़ेंगे। नाइस, टाइम्स अप। मैं सही बता रहा, इसको फुल स्क्वाड होनी चाहिए इसको मारने के लिए, नहीं तो इसको नहीं मार सकते। क्वेस्ट फेल्ड, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेस्ट के लिए बहुत बहुत सही खेला मैंने, मुझे लगा नहीं था इतना आगे जा पाऊँगा। क्या है? ड्रेकोलाइट शार्ड। ठीक है, तो इससे ड्रेकोलाइट्स ही सिर्फ मिलते हैं, इसके कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं होते। नाइस, देखते और कोई कर रहा है कि नहीं। सीज में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे फिर से यार। खैर कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल असाइनमेंट इनकमिंग, टॉक टू द थर्ड फ्लीट मास्टर इन सलियाना। एक और स्पेशल असाइनमेंट, ठीक है। ओहो, डेविल मे क्राई का स्किन है इसके पास, तो देखते हैं इससे कुछ वेपन क्राफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं मैं, या फिर आर्मर देखता हूँ सबसे पहले। तो साफी जीवा का आर्मर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इसके सिर्फ पार्ट्स मिलने से नहीं होगा, शार्ट्स मिलने से नहीं होगा, इसको पूरा मारना ही पड़ेगा तभी जाके साफी जीवा का जो आर्मर है वो अनलॉक होएगा। बट ठीक है, जैसा गेम वैसा रूल, मैं कौन होता हूँ कंप्लेन करने वाला। एक और बंदे ने साफी जीवा सीज इनिशिएट किया, साइड में देख ही सकते हो, तो चलो चल लेते हैं। ज्वाइन करूँगा मैं इसको अभी। ज्वाइन द सीज, तो देख ही सकते हो यहाँ पर क्लूलेस प्लेयर। अरे बापरे, 999 लेवल के लोग, मैं तो नूब हूँ। क्या है? ओपन रोड में देखता हूँ, फीलाइन सेफ गार्ड है। तो बेसिकली यार फीलाइन सेफ गार्ड्स के लिए होता है कि मैं एक बार एक्स्ट्रा मर सकता हूँ, बेसिकली गेम ओवर 3-4 हो जाते हैं, ठीक है। तो वो है, मैनेज आइटम्स में जाकर देखूँगा। लोड आउट 2, बहुत सही। स्टैंड बाय फॉर डिपार्चर, मुझे लगता है वो लोग डिपार्ट कर चुके हैं। इज़ुमी यहीं पर है क्या? इज़ुमी यहाँ नहीं है, तो ओके अभी सबके सब आए। डिपार्ट में क्लिक किया, चलो डिपार्ट कर लेते हैं। Objective is to slay the beast. Don't lose sight of it. When that thing's exhausted, ये लोग 999 लेवल के हैं, तो बेसिकली इनके पास हेल्थ ऑगमेंट होगा। हेल्थ ऑगमेंट से मेरा मतलब है ये जैसे जैसे अटैक करते हैं इनका हेल्थ बढ़ता जाएगा। तो यही यार, एक दो बार इसको हंट करता हूँ, उसके बाद गाइडिंग लैंड्स में चलेंगे। बंदे के पास बंदूक है। अरे इज़ु भी मर गया, राइट। बहुत सही, फोर साइट अच्छा लगा। ग्रेट स्वॉर्ड वाला आ गया, नहीं यार डॉज किया था मैंने फिर भी लगा। शायद मैं गिरा सकता हूँ इसके ऊपर, पत्थर गिरा सकता हूँ। गिरेगा पत्थर इसके ऊपर? नहीं,
ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे, क्योंकि सीज है, सीज में एक और रूल होता है जो मैं भूल चुका था, इसकी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि साफी जी का हेल्थ जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे जितनी बार मैं क्वेस्ट को रिपीट करूँगा उतनी उतनी जल्दी उसकी और हेल्थ कम होती जाएगी। तो इसका हेल्थ पूल मतलब समझ ही सकते हो ऑलमोस्ट 100,000 तक तो होगा ही। तो ऐसे कम कम करता रहूँगा एक एक सीज में, और जैसे ही मैं इसको स्ले करता हूँ उसका हेल्थ पूल जो है वो फिर से टॉप पे आ जाएगा। फोरसाइट बढ़िया था। ओहो, ग्रेट सॉर्ड वाले ने बड़ा डैमेज किया। नहीं यार, नहीं हुआ। अभी होएगा? नहीं हुआ। खैर, खेलना भूल चुका हूं मैं गेम। टेंडराइज कर दूं पहले, उसके बाद हेल्म ब्रेकर। नाइस, लगता है ये क्वेस्ट जल्दी खत्म करने वाले हैं। बहुत सही। कुछ ज्यादा ही हाई लेवल प्लेयर्स की लॉबी पे आ चुका हूं ऐसा लगता है। तो बेसिकली मैं कैरी हो रहा हूँ यार। होना नहीं चाहिए बट ठीक है, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं। वो है ही इतना, मतलब बना ही क्वेस्ट इस चीज़ के लिए कि सीज में मैं खेलूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ इसमें कैरी होने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको बेकार का डैमेज दे रहा हूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा ही डैमेज दे रहा हूँ इसको। ओहो, मेरे पीछे पड़ा है, मतलब मैं डैमेज दे रहा हूँ अच्छा खासा, मैं कैरी नहीं हो रहा दोस्तों। बहुत सही। लग जा, अरे नहीं यार, क्यों नहीं लग रहा। बहुत सही। कब से ट्राई कर रहा हूँ हेल्प, लग गई। नाइस, गया मैं। ओहो, बचा लिया यार, गनर ने बचा लिया मेरे को। हेल्थ पोशन पी लूंगा मैं एक और बार। नहीं यार, इतने करीब तो था मैं। लगा ही नहीं उसको, पत्थर गिरेंगे अभी यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, फिर चढ़ेंगे। ओहो, इसके पीछे छुप जाता हूँ मैं। मॉन्स्टर अटेंशन मेरे पर है, मुझे लगा था मैं कैरी हो रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है मैं कैरी नहीं हो रहा। थोड़ा सही अमाउंट पे डैमेज दे रहा हूँ मैं अभी। हटा मैं, अरे भाई।
बहुत सही टाइम पे हेल्म ब्रेकर। टेंडराइज नहीं किया यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देता हूँ टेंडराइज। स्ट्रेट शॉट वाले को पूरा डैमेज मिलना चाहिए, बढ़िया। नहीं यार, नहीं, बहुत सही, बच गया बच गया बच गया, नहीं मर गया। लगी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, बहुत सही, अब होएगा। बुरा पड़ा मेरे को वो, नहीं यार नहीं, मैं कूदते कूदते लग गया मेरे को। बहुत सही, एक और हेल्म ब्रेकर, इसी की कमी थी। उठ जा उठ जा, नाइस। फोरसाइट, बहुत ही बेहतरीन फोरसाइट था वो। हेल्म ब्रेकर फिर से उड़ने वाला था, मेरे हेल्म ब्रेकर ने रोक लिया उसको, बहुत सही। यार नहीं सोचा था मैंने मजा आ गया यार। ओहो, पहले ही सबसे रेयरेस्ट मेटल मिल गया, जायोनियम क्रिस्टल, साफी जीवा शार्ड, नाइस, साफी जीवा कॉर्टेक्स, साफी जीवा हार्ड क्लो। अरे यार सही है भाई, सही है। बड़ा बॉम्ब है ये। नाइस, शरीर के अंदर घुस के सिनेमैटिक प्ले हुआ। तो यार सोच ही सकते हो कितना मजेदार बैटल है ये। ओके, और यहां पर देख करके लगता है कि साफी जीवा के अलग अलग पार्ट्स भी है मेरे पास, देख सकते हो यहाँ पे, एल्डर ड्रैगन बोन। तो ठीक है, इनको कर लेता हूं मैं कलेक्ट। ओके, सीज ऑफ साफी जीवा इज कंप्लीटेड, ठीक है। कलेक्ट योर रिवॉर्ड्स, कहाँ पे? साफी जीवा सीज, ऑब्टेन रिवॉर्ड्स, क्या है रिवॉर्ड्स में? ड्रैकोलाइट शॉट्स ऑफ कोर्स, टेक ऑल, ठीक है, अप्रेज, क्या? ओके, तो यार बेसिकली साफी जीवा के लिए आप जो क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह क्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन जो ड्रैकोलाइट शार्ड से वो उससे मिलते हैं, और रैंडमली कुछ भी स्पॉन हो रहा है, मतलब मैं उनमें से कोई एक कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लूँगा, पहला तो दोनों ही लॉन्ग स्वॉर्ड्स में ले लूँगा, नहीं साफी फ्रॉस्ट ब्लेड ही पहले मैं लूँगा, शैटर ब्लेड बाद में देखता हूँ, इंसेक्ट ग्लेव भी अच्छा है, शैटर शील्ड भी है मेरे पास,
तो ब्लास्ट एलिमेंट के लिए ये सबसे सही रहेगा जो मेरे को लगता है, तो ये मैं उठा लेता हूँ यार। बहुत सही, सोचा नहीं था मैंने। खैर, वेनम एक्स, शैटर ब्लेड उठाऊं कि शैटर स्पीयर उठाऊं? चलो स्पीयर ही उठा लेता हूँ यार। इंसेक्ट ग्लेव भी एक उठा लेता हूँ, एक क्योंकि एक तो मैंने क्या कहते हैं चार्ज ब्लेड उठा लिया, एक लॉन्ग सोर्ड उठा लिया, एक इंसेक्ट ग्लेव भी उठा लेता हूँ, सबका एक एक। क्या मतलब तीन ही उठा सकते हैं? खैर कोई दिक्कत नहीं। अवेकेंड वेपन्स कैन बी ऑब्टेन बाई डिफीटिंग साफी जीवा, यू कैन बिस्टो अवेकनिंग अबिलिटीज इन टू योर वेपन, कस्टमाइजिंग देम इन टू योर प्लेइंग स्टाइल। ठीक है, एडिशन न्यू एल्केमी ऑप्शन हैज बीन एडेड। ठीक है, टेक दिस मटीरियल टू द स्मिथी टू अपग्रेड योर अवेक। ओके, तो ड्रैकोलाइट जो है उससे वेपन भी बनते हैं और वेपन को अपग्रेड भी ड्रैकोलाइट से ही किया जा सकता है साफी जीवा के। हाँ, तो यार क्वेस्ट मजेदार था, लेकिन आज के लिए कंप्लीट करते हैं इसको, क्योंकि आज का एपिसोड काफ़ी एड्रेनलिन भरा हो चुका था। तो यार उतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के एक अगले एपिसोड पे।